Welcome once again to our channel Eklav Academy, the platform realizing dreams. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस तरीके से हम क्लास वाइज क्लास टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं. आज हमारा जो डे है वो 6 है. दो सीरीज चल रही हैं, एक प्रैक्टिस सेट की और एक ये क्लासेस की. तो ये डे 6 है और बहुत ही आसान तरीकों से आपको सारे जो टॉपिक हैं उनको सॉल्व करने के तरीके बताए जाते हैं. दूसरी बात ये कि अभी हमने जो रैंकिंग एंड ऑर्डर में दो लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं वो पूरा एक टाइप था, यानी एक टाइप का पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी एक टाइप हम जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं. अब इसमें एक और टाइप आता है, वो हम आज एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे. छोटा सा पार्ट है उसका, पूरा एक कंप्लीट. ठीक है, तो क्या है, कैसे है, देखते हैं. देखिए, सबसे पहले हम आज रैंकिंग एंड ऑर्डर जो टॉपिक कर रहे हैं उसका क्या करने वाले हैं, टाइप 2. टाइप 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो थोड़ा पहले बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद आपको, जैसे कि अगर आप सारे वीडियोस देखते हैं तो पता होगा, नेक्स्ट में फिर हम इसमें आगे क्वेश्चंस को लगाएंगे. तो देखिए इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. आपको टाइप 2 में दे दिया जाएगा, मान लीजिए कि ए बी से बड़ा है, तो ए बड़ा है बी से, तो ऑब्वियसली बात है अगर मैं इस तरीके से देखूं ऐसे ही तो लिखेंगे. ठीक है भाई, अगर मैं बोलूं ए छोटा है बी से, तो या फिर दूसरी तरीके से बी बड़ा है ए से, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे. अब आपको सवाल दे दिया जाता है कि मान लीजिए 5 लोग हैं कहीं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लोग ए बी सी डी ई, ठीक है, 5 लोग हैं जिनमें से अगर आपको बोला ई केवल डी से बड़ा है, तो ई केवल डी से बड़ा है. मान लीजिए मैं इस तरीके से लगा रही हूं, सबसे बड़ा यहां रखूंगी, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा. अभी हमने बोला ई जो है वो केवल डी से बड़ा है, तो बाकी, इसका मतलब है ई केवल एक से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है. तो एक से बड़ा है और बाकी सबसे छोटा है, तो ई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और डी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे. ठीक है, अभी मैं बोल दूं बी केवल ए से छोटा है, ठीक है, तो बी केवल ए से छोटा है का मतलब है बी बाकी सबसे बड़ा है और एक से छोटा है, तो एक के पीछे बाकी सबसे आगे. तो अभी हमें क्या है, सब लग गए, केवल ए से छोटा है, तो ए से अगर छोटा है तो ए से बड़ा होगा, बचा कौन, सी. बस दो इतने से पॉइंट में हमारा सवाल लग गया. अब हमसे सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सेकंड लास्ट कौन है, है ना, बीच में कौन है, तो क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है. मेन जो इसका बेसिक है, क्रम परीक्षण, या किसी किसी चैप्टर में ये व्यवस्थीकरण अरेंजमेंट में भी दे रखा है, ठीक है, तो हो सकता है बुक में चैप्टर वाइज थोड़ा सा इधर उधर हो जाए. किसी किसी में क्रम परीक्षण में, यानी रैंकिंग एंड ऑर्डर में सेकंड टाइप दे रखा है, और किसी किसी बुक में ये बैठने की व्यवस्था क्रम जो है उस चैप्टर में भी ये मेंशन है, तो इसलिए मैं आपको पहले अवेयर कर रही हूँ. चलिए, तो यहां तक समझ आ गया होगा कि हमें इस तरीके से रैंकिंग एंड ऑर्डर को कैसे लगाना है. तो देखिए, कोई भी चीज आ सकती है, बड़ा छोटा, उम्र में बड़ा छोटा, लंबा आगे पीछे, कोई किसी से इतनी तेज दौड़ा लेकिन उससे तेज नहीं दौड़ पाया, मतलब जो क्वेश्चंस है हमारा बेसिक है वो हमें ऐसे लगाना है. ठीक है, तो अभी इसमें ज्यादा बहुत समझाने वाला पार्ट नहीं है, हम क्वेश्चंस को देखते जाएंगे और वहां सॉल्व करते जाएंगे. तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहला, उमेश सतीश से लंबा है. ठीक है भाई, उमेश सतीश से लंबा है. देखिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है, उमेश सतीश से लंबा है, जो जो पॉइंट दे रखे हैं उन्हें लिख लीजिए. उमेश सतीश से लंबा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है. तो सुरेश जो है, देखिए यहाँ पे गलती हो सकती है क्योंकि एस से सतीश भी है और सुरेश भी है, तो भाई ऐसी चीजों में कभी भी कंफ्यूज ना हो, अपने लिए पूरा उस नेम को लिख लीजिए. सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, तो सुरेश नीरज से छोटा है, तो नीरज बड़ा हो गया किससे, सुरेश से. सेकंड पॉइंट, तो जो जो आप पढ़ते जाएंगे ना उन पॉइंट्स को लिखते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम एक पॉइंट पढ़े फिर ये देखे सबसे पहले क्या लगाना है फिर दोबारा से लैंग्वेज पढ़े, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, तो देखिए, किंतु उमेश से लंबा है कौन, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, लेकिन किससे लंबा है, उमेश से, तो उमेश कहाँ पे आएगा, यानी कि उमेश से लंबा है तो उमेश के आगे आ गया, नीरज से छोटा है तो नीरज से पीछे, तो उनमें सबसे लंबा कौन है, तो हमें कितने नाम मिले, उमेश, सुरेश, नीरज, और देखिए उमेश तो यू से यही था, और सतीश, हमारे पास 1 2 3 4 नाम है, तो 4 नाम में हमने देखा
उमेश किससे बड़ा था? सतीश से बड़ा था ना। देखिए अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिलाना है, और इन दोनों पॉइंट्स को अगर हमने मिला दिया तो देखिए यहां समझते हैं, यहां कौन आ गया सबसे बड़ा? नीरज, फिर सुरेश, फिर उमेश, और उमेश किससे बड़ा था? सतीश। ठीक है, तो सबसे क्या पूछा गया, सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कौन हो गया? एन फॉर नीरज। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट, शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है, तो शैलेंद्र केशव से छोटा है, तो केशव शैलेंद्र से बड़ा है। ठीक है, किंतु राकेश से लंबा है। ठीक भाई, लेकिन राकेश से लंबा है तो कौन? शैलेंद्र। राकेश से लंबा है तो राकेश से लंबा कर दिया। माधव सबसे लंबा है, तो अभी हमें नहीं पता ना टोटल कितने लोग हैं, लेकिन माधव जब भी आएगा वो सबसे लंबा आएगा। ठीक है, हाईएस्ट यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट। आशीष केशव से कुछ छोटा, तो आशीष जो है वो केशव से, देखिए केशव से छोटा है तो आशीष इसके पीछे ही आएगा। ठीक है भाई, ये पॉइंट लगा दिया। आशीष केशव से कुछ छोटा है और शैलेंद्र से कुछ लंबा है, तो शैलेंद्र से कुछ लंबा है, तो शैलेंद्र से कुछ लंबा है, ये हो गया। ठीक है, चलिए भाई, यदि वे ऊंचाई के वर्धमान क्रम में खड़े हो तो दूसरे स्थान पर कौन है? तो अब हम इनको पहले लगा लेते हैं। देखिए के और के इसमें कॉमन है, एस और एस कॉमन है, ए और आर, तो अभी हम इनको देख लेते हैं इनमें क्या है। देखिए पहले वाले पॉइंट से हमें के और एस मिला, दूसरे वाले पॉइंट से क्या मिला? के और एस के बीच में क्या लाना है? ए। बाकी तो ये सेट है ही, तो इसका जो आंसर हम करेंगे वो कैसे? सबसे के, और सबसे लंबा कौन था? माधव, तो माधव तो सबसे पहले आई गई आएगा। ठीक है, बाकी इनमें और जो ये सुरेश या जो नाम दे रखे हैं शैलेंद्र, अब उनमें देखिए सबसे बड़ा, तो एम सबसे बड़ा हो गया, के, फिर के बाद क्या आना है? के और एस के बीच में ए आ गया, तो फिर हम यहाँ पे क्या ले आएंगे? ए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा? एस, और सबसे लास्ट में आर। तो यही तो क्रम लगा, और इसका क्रम का मतलब है कि ऊंचाई के वर्धमान क्रम में खड़े हों तो दूसरे स्थान पर कौन होगा। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर कौन है भाई? सेकंड केशव, वो वर्धमान क्रम का मतलब है बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम का मतलब है सबसे छोटा वाला और उससे बड़ा, तो शैलेंद्र आएगा इसका आंसर। ठीक है, वर्धमान का मतलब है बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम का मतलब है सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे, तो इधर से सेकंड ये आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। आयु में सीता स्वप्ना से बड़ी है। ठीक है भाई, सीता स्वप्ना से बड़ी है, तो सीता को जो जो पॉइंट हम पढ़ते जाएंगे तुरंत, ठीक है, स्वप्ना से बड़ी है। लावण्य स्वप्ना से बड़ी है, भाई लावण्य भी क्या है? स्वप्ना से बड़ी है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। लेकिन सीता से छोटी है, तो सीता लावण्य से बड़ी हो गई, ये पॉइंट लगा दिया। सुवर्णा हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है, तो जो सुवर्णा है वो हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है, तो स्वप्ना से भी छोटी है, यानी स्वप्ना और कौन है? हरी। हरी अभी तक आया नहीं है, इन दोनों से छोटी कौन है? यानी ये दोनों बड़े हैं किससे? सुवर्णा से। ठीक है, चलिए भाई, स्वप्ना हरी से बड़ी है। अब इन दोनों में भी नहीं पता था ना, अब हमें पता चल गया स्वप्ना बड़ी है हरी से, तो इनका भी कनेक्शन हो गया। ठीक, सबसे छोटी कौन है? अब हम इनको आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए कहां कहां कॉमन, तो स्वप्ना स्वप्ना स्वप्ना, ठीक, स्वप्ना से आगे कौन थी? सीता, और स्वप्ना से आगे यहाँ सीता, और इस इन दोनों के बीच में कौन आ गई? यानी इस वाले पॉइंट के बीच में कौन आ गई? लावण्या, है ना। तो स्वप्ना से आगे कौन कौन हुई? सीता और लावण्या, और स्वप्ना से पीछे कौन हुई? हरि और सुवर्णा। यानी मैं अगर आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊं तो सबसे पहले आएगी सीता, फिर है लावण्या, फिर कौन है? स्वप्ना, फिर हरि, और फिर सुवर्णा। पूछा क्या गया है, सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी कौन हुई? सुवर्णा। नेक्स्ट, बिंदु से लंबा है आशु। ठीक है भाई, तो तुरंत की तुरंत जहां जहां पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे, कोशिश करिए हमेशा रीजनिंग में कोई भी सवाल जब पढ़ रहे हो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंट हम तुरंत की तुरंत लिख लें। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज को दोबारा रीड करने का मतलब होता है आप दोबारा से टाइम को दे रहे हो। बिंदु से लंबा है आशु, तो बिंदु से लंबा आशु है, तो आशु हमने इसके आगे कर दिया। आशु से लंबा है चीना, तो आशु से लंबा इसी पॉइंट में जोड़ दिया।
चीना, चीना से लंबा है दीपू, इसी पॉइंट में जोड़ दिया, तथा सुनील इन सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा है तो सुनील को हमने यहां कर दिया, ये तो एक ही पॉइंट से जुड़ गए, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं थी। यदि लंबाई के अनुसार उन्हें कतार में खड़ा किया जाए तो मध्य में कौन होगा? तो भाई मध्य में कौन है, किधर से भी देख लीजिए, मध्य में चीना, तो आंसर हो गई चीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन रूपा से 6 महीने छोटा है जबकि रवि सीता से 3 महीने छोटा है, तो ठीक है भाई इसको देखते हैं, इसमें महीने वाइज दे रखा है, क्या दे रखा है, मोहन रूपा से 6 महीने छोटा है, तो मोहन से रूपा बड़ी है, और कितनी बड़ी है यहां हम लिख देते हैं महीने में ही है आयु, ठीक है 6 महीने, चलो भाई महीने भी लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि समझाते टाइम मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, समझते टाइम जब भी आप समझे तो एक एक चीज क्लियर हो, फिर जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो कहां पे आप कमी कर सकते हैं पॉइंट लिखने में, वो आप खुद में ही मेंटेन कर सकते हैं। तो मोहन रूपा से 6 महीने छोटा है, ठीक है भाई, तो रूपा बड़ी हो गई मोहन से, जबकि रवि रीता से 3 महीने छोटा है, तो रवि छोटा है रीता से 3 महीने, तो रवि रीता से, तो रीता कितनी बड़ी है 3 मंथ्स, ठीक है। चलिए, ममता के जन्म के समय रवि 2 माह का था, ठीक है, तो भाई रवि 2 माह का था, इसका मतलब 2 महीने किससे बड़ा हो गया, रवि ममता से बड़ा हो गया ना, 2 महीने का कोई था तो किससे बड़ा हो गया, ममता से 2 महीने बड़ा। समय रवि, रीता 5 वर्ष आयु वर्ग में है, तो 5 वर्ष आयु वर्ग का मतलब हो गया, और जबकि मोहन 6 वर्ष आयु वर्ग में है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, ठीक भाई देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, रूपा और मोहन, और यहाँ पे कौन थे, रीता रवि ममता, दोनों में से कोई कॉमन नहीं है, सबका अपना दोनों का अलग अलग है, तो अभी क्या बोला गया है, रवि 2 माह का था, रीता 5 वर्ष आयु वर्ग में है, तो रीता कितने की है, 5 वर्ष की, ठीक है, और जबकि मोहन 6 वर्ष, तो अभी हमें यहां से पता चल गया ना, यानी मोहन इससे बड़ा है ना, ये 5 वर्ष की है, मोहन कितने का, 6 वर्ष का, तो मोहन इससे बड़ा ही होगा ना, 1 साल इसके आगे लगा दिया, और मोहन से भी रूपा 6 महीने बड़ी है, ठीक है, तो जबकि मोहन 6 वर्ष, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, कौन हो गई सबसे बड़ी, रूपा, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट, के बी से ज्यादा सुंदर है, ठीक है भाई, के बी से ज्यादा सुंदर है, बी वाई के समान सुंदर नहीं है, तो बी वाई के समान सुंदर नहीं है का मतलब है बी वाई से कम सुंदर है, तो बी वाई से कम सुंदर है का मतलब है बी वाई से कम है, तो वाई बी से ज्यादा है, ठीक है। जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है, तो जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है, तो जे कम सुंदर है, इसका मतलब बी और वाई से, ठीक है। सब सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है, अब हम इन तीनों पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज क्या है, बी से बड़ा मतलब बी से ज्यादा सुंदर के भी है, बी से ज्यादा सुंदर वाई भी है, ठीक है भाई, और बी और वाई दोनों मिला के किससे ज्यादा सुंदर है, जे से, तो मैं अगर यहाँ पे कितने लोग हैं, के बी वाई जे, 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ठीक है, तो एक बात समझिए यहाँ पे कि बी से बड़े 2 लोग हैं, ठीक है, और बी से छोटा 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी तो यहाँ आ जाएगा क्योंकि बी से 1 छोटा है और बी से 2 बड़े हैं, ठीक है, तो बी यहाँ आ गया तो इसके पीछे कौन आएगा, जे, तो अगर मैं सवाल को सॉल्व करना चाहूं तो निचले स्तर पर आंसर क्या आ गया, जे। अब बी से बड़े 2 हैं, के और वाई, इनमें डिसाइड नहीं हो सकता, लेकिन हमसे पूछा क्या है, सबसे कम सुंदर, अगर सबसे ज्यादा सुंदर पूछा जाता तो ऑप्शन या तो या में होता के या वाई, या ऑप्शन होता निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विकास श्याम से लंबा है, तो लंबाई का क्रम दे रखा है, विकास श्याम से लंबा है, ठीक है, लेकिन उमेश से छोटा है, तो इसका मतलब उमेश इससे भी लंबा है, उमेश रजत से लंबा है, तो उमेश अगला पॉइंट, उमेश रजत से लंबा है, लेकिन गणेश से छोटा है, तो उमेश गणेश से छोटा है, इसका मतलब गणेश उससे बड़ा हो गया, यदि श्याम रजत से लंबा है, तो श्याम रजत से लंबा है, तो भाई एक और पॉइंट दे रखा है, रजत से लंबा कौन है, श्याम, तो इनमें सबसे छोटा कौन है, यहां भी देखते हैं भाई, देखिए युग तो कॉमन है, 1 हो गया, 2 हो गया,
और तीन हो गया, चार हो गया, पांच लोग हैं, एक दो तीन चार पांच। अब पांच में देखिए, देखिए यू से पीछे कितने लोग हैं, एक, यू से पीछे वी भी है, एस भी है और आर भी है, ठीक है। चलिए भाई, एस भी है, ये भी है, ये भी है, तीन तो कितने हो गए, यू से पीछे हो गए और एक यू से आगे हो गया। तो यू से अगर हम देखेंगे तो पांच लोग तो क्या हो गए, यू पांच लोग हो गए ना, यू से एक दो तीन पीछे और एक आगे और एक यू खुद, तो यू तो कहाँ आएगा, कंफर्म हो गया ना, यू यहाँ आएगा। यू से आगे क्या है, जी। यू के पीछे क्या है, देखिए अब यहाँ पे एक चीज समझिए, यू के पीछे वी है और एस है, ठीक है, और यू के पीछे आर भी है, लेकिन अगर हम एस और आर में देखें तो एस और आर में देखें तो कौन बड़ा है, यहाँ पे एस बड़ा है, ठीक है। तो एस बड़ा है अगर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो, ठीक, क्योंकि आर सबसे छोटा हो गया, तो जी यू, यू से पीछे पीछे सॉरी वी, वी से इधर एस और एस से इधर आर, ठीक है। तो क्रम लग गया, क्या पूछा था, सबसे छोटा कौन है, आंसर आ गया आर, आर से कौन है, रजत। नेक्स्ट, ए बी सी डी और ई को वार्षिक परीक्षा में अलग अलग अंक मिले हैं, इनमें डी ने, भाई पांच हैं तो पांच लोग हैं, एक दो तीन चार पांच, इनमें डी ने केवल ई से कम अंक पाए, केवल ई से, बाकी सबसे एक दो तीन लोगों से ज्यादा और एक से कम, तो डी ने, हम तो ऐसे लगाते हैं ना बढ़ते क्रम इस तरीके से, तो डी ने केवल एक से कम पाए, किससे, ई से, तो सबसे ज्यादा किसके होंगे, ई के, ठीक है। बी ने ए से अधिक किंतु डी से कम अंक पाए, तो ए से अधिक और डी से कम अंक पाए, तो इनमें सबसे कम अंक किसको मिले, यहां एक चीज समझ लेते हैं। देखिए इनमें डी ने केवल ई से कम अंक पाए, तो डी ने ई से कम पाए, तो ई सबसे ज्यादा हो गया, डी सेकंड पे हो गया। अब हमारे पास अभी भी क्या बच रहा है, ए बी सी, आगे पॉइंट क्या बोला गया, बी ने ए से अधिक, तो ठीक है भाई, बोला क्या गया, बी ने ए से अधिक किंतु डी से कम, तो डी इसके आगे आएगा, पाए। इनमें सबसे कम अंक किसको मिले, देखिए डी के पीछे क्या आ रहा है, डी के पीछे आ रहा है बी और ए, लेकिन अभी हम ये नहीं बोल सकते, डी के पीछे ही तो आ रहा है ना बी और ए, बी ने ए से अधिक किंतु डी से कम पाए, तो डी से कम, अच्छा सही है, डी से कम पाए बी ने, तो यहां आ जाएगा, और ए से अधिक पाए तो यहां आ जाएगा, ठीक है। और इनमें सबसे कम अंक किसको मिले, तो सबसे जो कम अंक मिले वो किसको मिले, यहाँ पे आप क्या आंसर कर देंगे, वैसे यहाँ सी, ठीक। तो समझिए सवाल को, इनमें डी ने केवल ई से कम अंक पाए, बी ने ए से अधिक और डी से कम अंक पाए, तो जरा एक बात सोचिए कि यहाँ पे सी के बारे में तो बताया नहीं गया ना, एक अरेंजमेंट अगर मैं ऐसा भी लगा दूं, जरा मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, कि यहाँ पे मैंने बोला ई, ठीक है, और डी, ये तो फिक्स्ड है, अगर मैं बी को यहां लगा दूं, भाई डी से तो अभी भी इसके कम हो गए और ए से ज्यादा हो गए, और सी को यहां लगा दूं, तो क्या कोई दिक्कत है, सवाल तो क्या बोला गया था, बी ने ए से अधिक, ठीक है, तो बी ने ए से अधिक और डी से कम पाए, तो अभी भी तो यही हो रहा है, यानी सी का तो डिसाइड ही नहीं हुआ, सी को यहां भी रख सकते हैं और यहां भी रख सकते हैं, इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो सी ना आके आंसर आएगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश अनिल से भारी है लेकिन इतना भारी नहीं जितना राजू, तो सुरेश अनिल से भारी है, तो सुरेश भारी है अनिल से लेकिन उतना भारी नहीं जितना कि राजू है, तो यानी राजू सुरेश से भी भारी है, अनिल जयेश से भारी है, ठीक है भाई, तो अनिल को जयेश से भारी कर दिया, करुणा सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्की है, तो राजू क्या बोला गया है, राजू से हल्की है तो राजू के पीछे आएगी, सुरेश से भारी है तो सुरेश के आगे आएगी, तो देखा जाए तो करुणा कहाँ पे आ जाएगी, इन दोनों के बीच में, ठीक है, अनिल और जयेश, तो इनमें सबसे भारी कौन है, सबसे भारी कौन रहा, राजू। नेक्स्ट, रामू सोनू सोनू सॉरी रामू मोनू की अपेक्षा ज्यादा लंबा है, तो रामू मोनू की अपेक्षा ज्यादा लंबा है, तो रामू लंबा है किससे, मोनू से, परंतु इतना लंबा नहीं जितना रविंद्र है, तो इसका मतलब रविंद्र तो और लंबा है, ठीक है। करीम दिलीप की अपेक्षा ज्यादा लंबा परंतु मोनू की अपेक्षा छोटा है,
तो मोनू की अपेक्षा छोटा है तो मोनू से पीछे किसको कर देंगे, करीम को। लेकिन क्या बोला गया, करीम दिलीप की अपेक्षा ज्यादा लंबा है, तो करीम लंबा किससे है, दिलीप से। तो इनमें सबसे ज्यादा लंबा कौन निकला, रविंद्र। आंसर हो गया रविंद्र। आई होप कि आपको ये सब समझ आ रहे होंगे किस तरीके से आपको करने हैं, कहाँ कहाँ पॉइंट कैसे लिखने हैं, और बाद में लिखने के बाद सारे पॉइंट्स को कैसे आपस में मर्ज करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 लड़कों ने एक दौड़ में भाग लिया, ठीक है, पीने क्यू से पहले। तो 5 लड़कों ने भाग लिया पीने क्यू से पहले, लेकिन आर के बाद अपनी दौड़ पूरी की। तो पी ने क्यू से पहले, तो पी ने क्यू से पहले और आर के बाद की, तो भाई लिख ले। ठीक है, एस ने यह दौड़ टी से पहले, तो एस ने पहले की टी से लेकिन क्यू के बाद, तो क्यू ने इससे भी पहले कर ली। इस दौड़ में कौन विजयी रहा, तो अब ये दोनों पॉइंट मिला था। देखो क्यू दोनों के सेंटर में आ रहा है, यहां क्यू खत्म हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है, यानी क्यू के पीछे एस, इसके पीछे टी, लग गया ये अरेंजमेंट। ठीक है, तो इस दौड़ में कौन विजयी रहा, सबसे आगे कौन रहा, आर। तो आंसर हो गया आर। नेक्स्ट, अमन रोहित सुरेश दानिश तथा आलोक को भार के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया। अमन ऊपर से तीसरा है, तो भार के घट 1 2 3 4 5 मान लो घटते, तो ऊपर से तीसरा है का मतलब अमन यहाँ पे है। आलोक दानिश तथा अमन के मध्य में है, तो आलोक जो है वो अमन और दानिश के मध्य में है। तो देखो दानिश यहाँ भी हो सकता है, आलोक बीच में हो सकता है, दानिश यहाँ भी हो सकता है, यहाँ। अभी हम इस पॉइंट को स्किप कर देते हैं। क्या बोला, जबकि दानिश सबसे क्या है, जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं है, फिर तो जब यहाँ नहीं है दानिश तो फिर यही होगा। और इन दोनों के बीच में किसे दिया गया है, आलोक दानिश और अमन के बीच में है, तो आलोक यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे ऊपर कौन है, देखिए 2 स्थान खाली रह गए भाई अभी, है ना। अभी हम नहीं बता सकते कि कहां पे रोहित को रखेंगे और कहां पे हम सुरेश को रखेंगे। रोहित और सुरेश में क्लियर नहीं हो पाया, और जब क्लियर नहीं हो पाया और हमें ऑप्शन भी नहीं दिया रोहित या सुरेश का, तो आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहिनी नीता से लंबी है परंतु सरिता से छोटी नहीं है। तो मोहिनी नीता से लंबी है, ठीक है भाई मान लिया, परंतु सरिता से छोटी नहीं है, तो सरिता इससे बड़ी है। ठीक है, सरिता तथा मालिनी एक समान लंबाई की हैं, तो सरिता के बराबर हम किसको रख दें, सरिता के बराबर मालिनी को। मोहिनी हेमा से छोटी है, तो मोहिनी छोटी है, तो भाई मोहिनी से लंबी कौन हो गई, हेमा। तो इनमें दूसरी सबसे लंबी कौन है, तो भाई दूसरी सबसे लंबी कौन है देख लेते हैं। देखिए मोहिनी से बड़ी नीता तो मोहिनी के पीछे आ गई, ठीक है भाई। ठीक, अगर मैं बात करूं कितने लोग हैं, 5 है ना, मालिनी सरिता मोहिनी नीता और हेमा, 1 2 3 4 5। मोहिनी से आगे कितने नाम है, 3 नाम तो मोहिनी से आगे, 1 नाम मोहिनी से पीछे, तो मोहिनी तो आ जाएगी यहाँ पे और इसके पीछे वाला नाम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको इसलिए पूरा कंप्लीट लगा के दिखाती हूँ कि हमें केवल इस सवाल से मतलब नहीं है कि हमें ये पूछा गया दूसरी सबसे लंबी। सवाल तो मैं यहाँ चेंज कर दूं, मैं पूछ लूं सबसे लंबी कौन है, दूसरी सबसे छोटी कौन है, तो हमें सवाल का पैटर्न निकालना आना चाहिए। हमारा जो मेन मोटिव है वो सीखने से है, और क्योंकि ये जैसे बेसिक क्लासेस हैं, ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल ही रीजनिंग नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने अभी तक रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए एक एक बेसिक को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है आप अपनी प्रैक्टिस के लिए वो तो फॉलो करिए ही, जितने भी लोग जितने भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं, तो अब देखिए मोहिनी से पीछे नहीं था, अभी हमें मोहिनी से आगे 3 लड़कियां हो गई भाई, है ना। मोहिनी से आगे मालिनी और सरिता तो एक ही है, और मोहिनी के आगे हेमा भी है। तो जरा एक बात बताइए, अभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि मोहिनी के आगे पहले किसे रखें भाई। हो सकता है मैं हेमा को यहां रख दूं, ठीक है, सरिता और मालिनी तो एक ही उसकी है, तो सरिता मालिनी एक ही मतलब बराबर ही आ जाएंगी। तो मैं ये भी तो कर सकती हूँ हेमा को यहाँ, क्योंकि मोहिनी से लंबाई तो करना है, तो हेमा को कर दिया यहाँ पे, कर दिया सरिता और मालिनी को, या सरिता मालिनी को पहले कर दिया हेमा को बाद में कर दिया, है ना। तो दूसरी सबसे लंबी कौन है हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं।
तो मैंने आपको बहुत सारे ज्ञात नहीं किया जा सकता वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना कि किस कंडीशन में हमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता का आंसर करना होता है। नेक्स्ट, अमल कमल से लंबा है, तो अमल कमल से लंबा है, अमल लंबा है कमल से, किंतु विमल से छोटा है, तो विमल इससे भी बड़ा हो गया। विमल परिमल से लंबा है, तो विमल किससे लंबा है, परिमल से, तो एक पॉइंट ये लिख दिया, ठीक है। किंतु उत्पल से छोटा है, तो भाई उत्पल इसके आगे कर दिया। यदि कमल परिमल से लंबा है, तो परिमल से लंबा कौन है, कमल, तो यहां कमल है, ये किससे लंबा है, परिमल से, ये पॉइंट यही कनेक्ट कर दिया। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है हम यहां समझ लेते हैं। देखिए परिमल तो पीछे आ रहा है, परिमल के आगे यहाँ भी सब लोग हैं, और परिमल के आगे यानी जितने भी लोग हैं, कमल अमल विमल उत्पल सब परिमल से आगे हैं, तो सबसे पीछे कौन है, परिमल, तो सबसे छोटा कौन हो गया, परिमल, तो आंसर इसका हो गया परिमल। और हम इस जो चैप्टर है इसके लास्ट टाइप और लास्ट सवाल पे आते हैं, 15th सवाल। देखिए अभी ये मेरी तरफ से जितने भी टाइप्स थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, मैंने आपको बेसिक्स सारे करा दिए हैं। अब मैं एक अभी हमने जो जितने भी बेसिक्स टाइप से वो सारे समझ लिए, करने कैसे हैं। और देखिए किसी भी टॉपिक का जो बेसिक होता है, आधार होता है, वो एक्चुअल में छोटे और उसकी अप्रोच होती है कि हमें निकालना कैसे है। फिर बाद में जब हमें निकालना आ जाता है, तो बड़े से बड़ा सवाल भी हम उसी मेथड और अप्रोच का यूज करते हुए प्रैक्टिस से कैसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अभी मैं इसी चैप्टर के बहुत सारे मिसलेनियस जो क्वेश्चंस होंगे, यानी मिश्रित जो सवाल होंगे, टाइप वन टाइप टू के जितने भी हो सकते हैं, एक अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस की एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगी, जिसमें आप अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। सचिन कमाल मोहन अरुण और राम पांच मित्र हैं। सचिन कमाल से लंबाई में छोटा है, तो सचिन कमाल से छोटा है यानी कमाल बड़ा है, किंतु राम से लंबा है, कौन, सचिन, तो राम से लंबा है, मोहन सबसे लंबा है, चलो देखते हैं बाद में, अरुण थोड़ा छोटा है कमाल, एक्चुअल में कमाल नहीं है कमल होगा, ठीक है, मिसप्रिंट ही है, अरुण थोड़ा छोटा है कमल से, तो कमल से थोड़ा छोटा है, तो कमल से कमल, कमल से छोटा कौन है, अरुण, और थोड़ा लंबा है सचिन से, तो अरुण जो है थोड़ा लंबा है सचिन से, तो दूसरे नंबर पर सबसे लंबा, इन दोनों को मिला देते हैं, कमल के पीछे कौन है, सचिन, और सचिन के आगे कौन है, अरुण, तो कमल अरुण सचिन, और सचिन के पीछे कौन है, राम, और सबसे लंबा हमें कौन दिया था, मोहन। ये हो गए हमारा पांचों का क्रम। पूछा क्या है, दूसरे नंबर पर सबसे लंबा कौन है, तो हमें जो आंसर दिख रहा है वो है कमल। आई होप कि इनको हमें जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे अप्रोच के साथ हमें सॉल्व करना है, क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम इनको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बहुत अच्छे से बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस की अप्रोच बता दी है, बाकी ये बेसिक थे। अभी मैं एक इससे जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो बहुत ही जल्द आपको इस पे मिल जाएगी चैनल पे, आप उससे जितनी भी प्रैक्टिस है वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल से अभी तक जुड़े नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसी तरीके से क्लासेस और प्रैक्टिस सेट्स रीजनिंग के कंटिन्यू करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।